एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी हेल्दी पराठे की रेसिपी। मुझे नहीं लगता कि आपने इससे पहले आज से पहले कभी ये पराठा ट्राई किया होगा, तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगा कि पराठा मैंने किस तरीके से बनाया है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो मैंने एक बाउल में लिया है ग्रेट किया हुआ गाजर, ग्रेट किया हुआ मैं यहाँ पर ले रही हूँ फूल गोभी, साथ में डालेंगे पालक। तो पालक को मैंने अच्छे से धो करके इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है क्योंकि हम पालक का स्टफ्ड पराठा बना रहे हैं और इन सब सारी सब्जियों से मॉइस्चर रिलीज होता है। तो इसमें हम नमक डालेंगे, अच्छे से इसे करेंगे मिक्स और इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इससे जितना मॉइस्चर है वो अच्छे से रिलीज हो जाए। और तब तक हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसे साइड में रखती हूँ और यहाँ पे मैं ले रही हूँ पालक। तो पालक का यहाँ पे हमें पत्ता लेना है, हमें इसके डंठल नहीं लेने हैं। तो चलिए इसे भी हम मिक्सर जार में डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी डालकर, और हम इसका एक फाइन सा प्योरी बनाएंगे, पेस्ट नहीं, थोड़ा पेस्ट से ये पतला रहेगा। तो चलिए थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और ढक्कन लगाकर इसका हम एक फाइन सा प्योरी बना लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पे प्योरी हमारा बनकर तैयार हो गया है, देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो चलिए अब हम डो तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बाउल में ले रही हूँ 2 कप गेहूँ का आटा, साथ में डालेंगे 3 चम्मच बेसन, जिससे पराठा हमारा काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो चलिए मैंने यहाँ बेसन डाल दिया है, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, साथ में डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल और इसे अच्छे से ही मसल कर हम तैयार करेंगे। और ये पराठा हमारा काफ़ी हेल्दी बनकर तैयार होगा क्योंकि इसका डो हमें पालक का जो प्योरी हमने बना करके रखा है उससे हमें तैयार करना है। यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर आपको पानी लगे तो आप जार में ही थोड़ा सा और पानी डालकर और फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर पालक का प्योरी डाल दिया है और इस तरह से मसलते हुए इसका हमें एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। तो चलिए मैं सारा यहाँ पालक का प्योरी डाल दे रही हूँ, ये पालक का प्योरी हमारा यहाँ पर सारा ही लग चुका है। तो चलिए ये डो मैंने सेट कर लिया है, तो देखिए इसे मसल कर हम अच्छे से सेट कर लेंगे जिससे पराठा हमारा काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो लीजिए यहाँ पे ये पराठे का डो हमारा तैयार हो गया, थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे हम साइड करेंगे और हम अपने स्टफिंग को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टफिंग भी हमारा रेस्ट कर लिया है और इससे मॉइस्चर काफ़ी सारा रिलीज हो रहा है। तो इस वाले जो पानी को ना हमें फेंकना नहीं है, आप इससे पराठा गूंथकर तैयार कर सकते हैं या फिर आप इसे सब्जी की ग्रेवी में यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारा विटामिन्स होता है। तो चलिए यहाँ पे यह स्टफिंग हमारा तैयार है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा उबला हुआ मटर, थोड़ा सा हम डाल रहे हैं यहाँ पे उबला हुआ आलू, आप यहाँ पे सब्जी अपने पसंद का डाल सकते हैं। और आज की वीडियो अगर यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, साथ में चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए। आपके एक लाइक एक कमेंट से मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट मी सब्सक्राइब मी। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च डाला है जिसका वीडियो मैं शूट करना मिस हो गया, तो चलिए यहाँ पे मैंने मिर्च डाल दिया है। आप यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट या ग्रेटेड अदरक लहसुन भी यूज कर सकते हैं, बट मैं इसे बिना लहसुन अदरक का बना रही हूँ। तो साथ में डाला 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला पाउडर और मैं यहाँ पे डाली भुना हुआ जीरा पाउडर। तो चलिए अब एक पोटैटो मैशर की हेल्प से इसे हमें अच्छे से ही मैश कर लेना है ताकि स्टफिंग हमारा फटे नहीं। तो चलिए मैं इसे अच्छे से ही इस तरीके से मैश कर ले रही हूँ और यहाँ पे देखिए स्टफिंग हमारा बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं इसे छोटे छोटे बॉल्स में डिवाइड कर ले रही हूँ जिसे हमें स्टफ्ड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इस तरह से मैं इसके बॉल्स बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। तो लीजिए ये हमने बॉल्स बनाकर तैयार कर लिया है और ये हमारा स्टफिंग तैयार है। तो चलिए अब हम डो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डो को इस तरह से मसल कर एक बार इसे फिर से सेट कर ले रही हूँ और इसके छोटे छोटे बॉल्स डिवाइड करेंगे और फिर इसे एक बॉल्स लेंगे, थोड़ा सा इसे हथेलियों में घुमाते हुए गोल करेंगे, सूखे आटे में डस्ट करेंगे और फिर इसकी हमें एक छोटी सी पूरी की तरह बेलकर तैयार कर लेना है बिल्कुल इस तरीके से। और अब हम इसके बीच में रखेंगे स्टफिंग और इसे अब साइड से मोड़ते हुए सेंटर में इसे हमें बंद कर देना है। इसका एक्स्ट्रा डो हमें नहीं निकालना है, इसी में ही सेट कर देना है। इस तरह से गोल घुमाते हुए थोड़ा सा फिर से हम इसे सूखे आटे में डस्ट करेंगे और इसे पहले अच्छे से ही हम फैला लेंगे हाथों से, उसके बाद ही हम इसे इसमें हल्के हाथों से बेलन चलाएँगे। तो लीजिए ये मैंने एक पराठा बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए फटाफट हम इसे सेक लेते हैं। तो मैंने गैस पर तवा रखा है और अब यहाँ पर मैं पराठा डाल दे रही हूँ, इसे पलट देंगे और
ऑयल लगाकर इसे हम अच्छे से ही दोनों तरफ से गोल्डन चीती आने तक सेक कर तैयार कर लेंगे। तो ये पराठा हो गया ना टेस्टी। इसमें हमने पालक की स्टफिंग भी की है और पालक का पेस्ट बनाकर इसमें हमने डो भी तैयार किया है, तो ये डबल हेल्दी हो गया है। तो आप पराठे को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए ये पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह सारे पराठे बनाकर हम अपने तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा सुपर टेस्टी हेल्दी पराठा बनकर तैयार हो गया है। आप इसे अपने मनपसंद सब्जी चटनी किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसे सर्व किया है टमाटो केचप के साथ, क्योंकि बच्चों को टमाटो केचप के साथ पराठे खाना काफ़ी पसंद आता है। तो देखिए इसमें कितने अच्छे से स्टफिंग भी हमारा बिल्कुल बराबर से फैला हुआ और ये पराठा हमारा काफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।